ઉરી બાદ સૌથી મોટો આતંકી હુમલો થતા જમ્મુ કાશ્મીરમાં ફરી એકવાર ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ છે. ત્યારે પુલવામા થયેલા સૌથી મોટા આતંકી હુમલામાં 40થી વધુ જવાન શહીદ થતાં ભારતવાસી શોકમાં ગરકાવ છે. હુમલાની એવી અસર પડી છે કે ભારતમાં એક શહેર એવું નહીં હોય કે જ્યાં આતંકવાદીઓ સામે લોકોએ વિરોધ દર્શાવ્યો ન હોય. ત્યારે બધી જ રાજકીય પાર્ટીઓ અને સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા પણ વિરોધ પ્રદર્શન યોજાઈ રહ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદના સોનીની ચાલીથી કેન્ડલ માર્ચ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં 40 શહીદોના ન્યાય માટે 2 દિવસથી ઉપવાસ કરતી મુસ્લિમ બાળકીએ પણ કેન્ડલ માર્ચમાં ભાગ લીધો હતો અને અનેક લોકો સ્વયંભૂ કેન્ડલ માર્ચમાં જોડાયા હતા, જેમાં બેનર પ્લે કાર્ડ સાથે પાકિસ્તાન હાય હાય અને આતંકવાદ ખત્મ કરોના નારા લાગ્યા હતા. ઓલ મીડિયા કાઉન્સિલ દ્વારા શહીદોને ન્યાય આપવા માટે ઉગ્ર માંગ કરી હતી. और जितना मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, वो निंदा से ही बात सीमित नहीं होती है, उनको उसकी भाषा में मूल तौर जवाब देना चाहिए. हमारे बीच में ये लड़कियाँ 2 दिन से अनशन, संजीव मिरानी 2 दिन से अनशन पर बैठी हुई थी, लेकिन मैंने फ़ोन किया, अपना अनशन छोड़ कर आई हुई है. और इसकी मांग है कि जो ऐसे आतंकवादी हैं उनको देश से खत्म किया जाए. मेरा नाम तंजीम मिरानी है, मैं 2 दिन से अनशन पर हूँ और मेरी मांग यही है कि हमारे, हम सब जानते हैं कि हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ. हमारे सैनिक हमारे जवान शहीद हुए, तो हम लोग 2-3 दिन में ये सब भूल जाएंगे. ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, हम सब ये भूल जाएंगे. लेकिन मेरी सरकार से मैंने 3 साल पहले भी ये मांग की थी कि आप अलगाववादियों की सिक्योरिटी हटाइए, और लास्ट में तो वही आया कि अलगाववादियों की सिक्योरिटी हटाई गई. बट मेरा क्वेश्चन है, बल्कि पूरी भारत जनता का क्वेश्चन है कि वो RDX का ट्रक, वो कार, वो सब आया कहाँ से. मैं कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं रखती और मुझे रखना भी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं पॉलिटिक्स में क्या होता है. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सब आया कहाँ से और क्यों किया गया. मेरा अनशन पे मैंने अभी कलेक्टर कचहरी में सोच रही हूँ मैं बैठूँ, लेकिन अगर परमिशन मिलेगी तो, वरना मैं अपना उपवास, अपना अनशन घर पर ही शुरू रखूँ. जयेश प्रजापति साथ NS गुजरात न्यूज़ अहमदाबाद.